हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन टीम्स में, जहाँ मैं आप लोगों को क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने T10 लीग के लिए बनाया है, जहाँ पे T10 लीग में अभी से 4 घंटे 23 मिनट बाद मराठा और नॉर्दर्न वॉरियर्स का मैच होने वाला है। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी टीम फॉलो करें, और जो भी आप लोग मेरी न्यूज़ फॉलो करें, ताकि आप लोगों को प्रिडिक्शन 11 मतलब कि अपनी प्रोबेबल 11 बनाने में हेल्प मिल सके। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि ये मैच जो है मराठा और नॉर्दर्न के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। ये एक्चुअली में क्वालिफाइंग मैच है सेमीफाइनल के लिए, मतलब कि ग्रुप बी का ये मतलब कि लास्ट मैच बोल सकते हैं ये है। तो इसमें जो टीम जीतेगी वो मतलब कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो फिर फ्रेंड, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फिर फ्रेंड, सबसे पहली जो अपडेट मैं आप लोगों को नॉर्दर्न वॉरियर्स की तरफ से बताऊंगा कि नॉर्दर्न वॉरियर की तरफ से जो भी मैं अपडेट बताऊंगा, सबसे पहली बात ये है कि डेरन सामी जो है इस टीम में नहीं खेलेंगे। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है डेरन सामी को ना लें। और फिर जहाँ तक बात है मराठा वॉरियर्स की तरफ से, जेम्स की खेलने के चांसेस बन रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आप मतलब कि चाहें तो उनको ले सकते हैं। और यहाँ पे एडम लेथ जो है वो मराठा वॉरियर्स की तरफ से नहीं खेलेंगे, जैसा कि न्यूज़ आ रही थी, बहुत लोग वीडियो में बना रहे थे कि एडम लेथ ये मैच खेलेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को ये कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि एडम लेथ इस मैच को नहीं खेलेंगे। तो फिर आप लोग इस टीम में उनको ना लें। तो फिर मैं आप लोगों को सबसे पहले मराठा की तरफ से आप लोगों को उनकी प्रोबेबल 11 बता देता हूँ। जैसे कि उनके प्रोबेबल 11 में जो विकेट कीपिंग करने के लिए आएंगे, सबसे पहले कामरान अकमल आएंगे, और उनके बाद जो बैट्समैन उतरेंगे तो एलेक्स हेल सबसे पहले आएंगे। एलेक्स के साथ जो ओपन करेंगे ये अफगानिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो फिर ये ओपन करेंगे उनके साथ, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब कि फॉर्म में चल रहे हैं। अब जैसा कि वन डाउन तो फिक्स नहीं होता है फ्रेंड्स T10 लीग में, तो फिर वन डाउन पे अभी अभी तक जैसी न्यूज़ है, जैसी टीम ने अपनी स्क्वाड दी है, तो ब्रेंडन टेलर आ सकते हैं वन डाउन ओपन करने के लिए। और उसके बाद जेम्स आएंगे बैटिंग करने के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर बात करें, सेक्शन में तो डेरन ब्रेवो, यहाँ पे कहा ये भी जा रहा है कि डेरन ब्रेवो शायद आ सकते हैं, डेरन ब्रेवो आ सकते हैं इस मैच में, मतलब कि डेरन ब्रेवो आ सकते हैं वन डाउन बैटिंग करने के लिए। तो फिर आप लोग अगर चाह रहे हैं डेरन ब्रेवो को लेना, तो फिर डेरन ब्रेवो को भी अपनी टीम में ले सकते हैं। मैंने ब्रेवो को इसलिए नहीं लिया है कि क्योंकि ब्रेवो के एक तो क्रेडिट हाई हैं और वो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। और ऑलराउंडर सेक्शन में एक और नाम आता है जेम्स फॉगनर, वो भी पक्का खेलेंगे, तो फिर आप लोग उनको भी लें। और उनके बाद जो वैसे ये एक और वैसे तो इनका नाम ऑलराउंडर में दिया गया है, तो फिर ये वैसे मतलब कि इनको बोल सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ये। तो फिर ये बॉलिंग करेंगे ये मराठा की तरफ से। तो फिर आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, जैसा कि पिछला मैच में आप लोगों को दिखा दूं कि पिछला मैच में इन्होंने 24 पॉइंट लिया था, मतलब कि 2 विकेट लिए थे, 2 इम्पोर्टेंट विकेट लिए थे इन्होंने। तो फिर आप चाहें तो इनको भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर बॉलर की बात करें, तो फिर बॉलर में इनके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उनके पास जहूर खान पढ़ लीजिए, जहीर खान बोल दीजिए, ये अच्छी ऑप्शन है इनके पास, ये क्रेडिट में है। और उनके बाद जो सबसे जो प्यारा इनके पास बॉलिंग का ऑप्शन है राशिद खान, मतलब कि बहुत ही अच्छे स्पिनर माने जाते हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के तो टॉप मोस्ट हैं ही। और उनके बाद जो है रिचर्ड्स गलेसन, ये है यहाँ पे, इन्होंने इनका हर एक मैच बहुत अच्छा गया है मराठा की तरफ से। तो फिर इन्होंने पिछले मैच में क्या किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं, दूसरे मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया है, और मतलब कि हर एक मैच में बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो हर एक प्लेयर इनको लेगा ही लेगा। तो फिर आप भी चाहें तो इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। अब जब बात करें नॉर्दर्न वॉरियर्स की, नॉर्दर्न वॉरियर्स की तरफ से जो आएंगे बैट्समैन बैटिंग करने, मतलब कि जो विकेट कीपर चूज़ किया गया है
और निकोलस पूरन किया गया है। निकोलस पूरन क्यों किया गया है चूज़, क्योंकि निकोलस पूरन आप देख सकते हैं कि लगभग इन्होंने पहले मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, फिर भी लगभग 20-22 रन बनाए थे, और दूसरे मैच में इन्होंने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, लगभग 25 बॉल में 70-75 रन इन्होंने बना डाले। तो फिर आप ये अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं, अगर आप लोगों ने T10 लीग का मैच देखा होगा तो। और उनके उनके साथ ओपन करने के लिए जो आएंगे वो है लिंडन सिमंस। सिमंस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, सिमंस आएंगे। ये कि सिमंस जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं। यहाँ पे एलेक्स हिल्स भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। जहाँ तक अभी की न्यूज़ पता चली है, वन डाउन आएंगे, पॉवेल आएंगे बैटिंग करने के लिए। पॉवेल जैसे कि पिछले मैच में अच्छी हिट लगा रहे थे और अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, तो पॉवेल आ सकते हैं वन डाउन। तो फिर उन पॉवेल के बाद अगर बात करें तो डेरन सैमी का नंबर आता है। डेरन सैमी भी प्रोबेबल 11 में है फ्रेंड्स, तो डेरन सैमी को भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं और पूरे के पूरे ऑलराउंडर की बात करें, वैसे डेरन सैमी अगर हो सके तो कुछ शायद बॉलिंग भी करें। तो उनके बाद डेरन सैमी के बात करें तो रवि बोपारा, जिनका पिछला मैच बहुत ही अच्छा गया था, आंड्रे रसल यहाँ पे जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवि बोपारा और आंड्रे रसल इनकी तरफ से मेन ऑलराउंडर है। अब यहाँ पे एक और नाम आता है जो 8 क्रेडिट में, इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो किया नहीं है, बट प्रोबेबल 11 में इनकी ये भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर आप अगर चाहें तो इनको ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो फिर मेरे हिसाब से तो आप इनको कहीं भी ना लें, वो ही ज़्यादा सही रहेगा, पर ये मैच खेलने वाले हैं। तो फिर अब जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में इनके पास जो ऑप्शन है, इनके पास इमाम हैदर है, वहीब रियाद और क्रिस ग्रीन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्रिस ग्रीन, इमाम हैदर। हैदर ने कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, शायद उनको हटाया भी जा सकता है। उनकी जगह पे कौन से प्लेयर खेलेंगे इसकी भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्रिस ग्रीन को ले सकते हैं, और फिर उनके बाद वहीब रियाज। तो वहीब रियाज ने भी अभी तक कुछ किया, ज़्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है, पर उन्होंने पिछले मैच में यहाँ पर एक विकेट ली थी। तो फिर आप अगर चाहें तो वहीब रियाज को भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वहीब रियाज भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड्स। और फिर एक सेकंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वहीब रियाज भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास। और हाँ, उसके बाद क्या नॉर्दर्नर की टीम से ये खेलेंगे फ्रेंड्स। तो फिर आप लोगों को मैंने सारी प्रोबेबल 11 की अपडेट्स बता दी है, कौन कौन प्लेयर खेलने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को अपनी टीम फ्रेंड्स दिखा देता हूँ कि मेरी टीम मतलब कि ड्रीम 11 की क्या रहेगी फ्रेंड्स। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को अच्छी लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या फिर मेरी अपडेट्स आप लोगों को सही लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करें ही करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक क्विज़ का आयोजन कर रहे हैं, तो फिर आपको इस क्विज़ में विनर को 50 रुपीज़ मिलेंगे, कोई एक किसी एक विनर को। तो सबसे पहले आप लोगों को टॉप 3 प्लेयर्स बताने हैं, मतलब कि ऐसे टॉप टॉप बैट्समैन बताना है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, और क्या कहते हैं टॉप बॉलर का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। तो फिर आपको कोई भी 2 प्रिडिक्शन करने हैं, और आप लोगों को आप मतलब कमेंट सेक्शन में डालना है। विनर को 50 रुपये मिलेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अब अपनी टीम पूरी टीम एक दिखा देता हूँ कि जो मैंने अपनी सेफ टीम बनाई है वो ये रही आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे ये मेरी सेफ टीम रहेगी। तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस टीम को फॉलो करें और अधिक से अधिक पैसे जीतते हैं। तो फिर प्रोबेबल 11 की जो भी अपडेट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है, तो फिर फ्रेंड्स वहाँ से भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।